कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को झारखंड में भी मतदान हो रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। ताजा जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 319 डेलीगेट्स में से 197 सदस्य वोट डाल चुके थे। खबर लिखे जाने तक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, डॉ. रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख सहित विधायक अंबा प्रसाद, उमाशंकर अकेला, अनूप सिंह, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व विधायक बंधु तिर्की नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट कर चुके थे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सेवा दल की भूमिका अहम है। सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष नीलीनाथन, सेवा दल के कार्यकर्ता नीलांबर साहू, प्रकाश यादव, छोटू सिंह पूरी तत्परता के साथ वोटिंग कराने में लगे हुए हैं। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। आज हो रहे चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। प्रदेश मुख्यालय में हो रहे चुनाव में 2 बूथ बनाए गए हैं, जहां बारी जेट बारी से डेलीगेट वोट कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस से वोट डालने वाले डेलीगेट की संख्या 319 है। 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार से अलग कोई सदस्य मैदान में नहीं है। देखिए, लंबे समय के बाद या छोटे समय के बाद इस सबको दरकिनार करते हुए हम ये कहना चाहेंगे, इस देश की खूबसूरती डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चुनने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी सही माने में डेमोक्रेटिक होने का उदाहरण पेश कर रही है। बता दीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में जहां इस तरह की वोटिंग हो रही हो अध्यक्ष के चुनाव की? लंबे अंतराल, छोटे अंतराल की बात छोड़ दीजिए, ये देखिए कि डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन पार्टी करा रही है? कांग्रेस करा रही है। इसको हमको देखना, समझना है। सर क्या होगा? सर आप लोगों ने सोनिया गांधी को भी बतौर अध्यक्ष देखा, राहुल गांधी को भी देखा, अब मिशन 24 की तैयारी में आप लोग लगे हैं, जो भी निर्वाचित होकर आएगा वो कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा? देखिए, ऐसा है, पहले से इपट की बात नहीं होनी चाहिए। नए अध्यक्ष जो भी हमारे होंगे वो बेहतर ढंग से, उनसे उम्मीद करेगा देश, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद करेगी कि बेहतर ढंग से चलावें, लोगों का दिल जीतें और वोट भी हम कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो होंगे दिल जीतेंगे नागरिकों का, वोटरों का, और कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित है, ये अलग सी बात है कि उस आंतरिक लोकतंत्र में हमारी एक वेल डिसिप्लिन वाली पार्टी है और हम आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी में होने के बावजूद हम हमारे नेताओं के प्रति, हमारी पार्टी की विचारधारा के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति हम बिल्कुल जवाबदेह लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से जितने हमारे डेलीगेट आए हैं वो एकदम पारदर्शी तरीके से अपने मन की इच्छा के हिसाब से वो प्रत्याशी को मत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और मैं समझता हूँ कि जो हमारा गांधी परिवार है, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों, ये हमारा गांधी परिवार का ये देन है कि हमको गांधी परिवार ने ये सिखाया है कि हमको देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता को अक्षुण बनाना है और पार्टी को भी बिल्कुल आदर्श स्थापित करने वाली ये पार्टी है। इसलिए हमने अपना मत जो है, जो हमारा मन ने मुझको गवाही दिया और पार्टी हित में जो हुआ, हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो रियल लोकतांत्रिक दिखता है, अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतदान आज हो रहा है, उसका मैं भी एक हिस्सा बना हूँ और इसे संगठन तो मजबूत ही होगा,
लोकतंत्र में भी एक बहुत बड़ा विश्वास आस्था बढ़ेगा। जो आज लोकतंत्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये जो एक मत का आम से लेकर खास तक जो मत का जो वैल्यू है, मूल्य है, उसको लोग समझने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।